अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में होने वाले 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें आयोजन समिति और रिसेप्शन कमेटी में नेताओं की नियुक्ति की गई है। इसमें रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को बनाया गया है, वहीं सीएम भूपेश बघेल को चेयरमैन बनाया गया है। जारी आदेश के मुताबिक पवन बंसल आयोजन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं तारिक अनवर को समन्वयक बनाया गया है। स्वागत समिति की कमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को दी गई है, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सह अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से 112 कांग्रेस नेताओं को स्वागत समिति में शामिल किया गया है, जिसमें मंत्री, सांसद और विधायक समेत प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हैं। अभी तो सभी सम्माननीय विधायकों से आदरणीय प्रभारी शैलजा जी की मुलाकातें हो रही हैं। क्षेत्र के बारे में जो फीडबैक है, क्षेत्र में और कैसी तैयारी करना है, कांग्रेस की मजबूती के लिए हमें और क्या कुछ करना चाहिए, सरकार के कार्यक्रमों को लेकर हम किस प्रकार से जाएंगे, रायपुर में जो कांग्रेस का महाअधिवेशन होने वाला है उसकी तैयारी में हम सबको जुड़ना है, इसमें सभी विधायकों से माननीय शैलजा जी की सकारात्मक बातें हो रही हैं और सबको दिशा निर्देश दिया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आदरणीय शैलजा जी के प्रभारी बनने के बाद ये सभी विधायकों के साथ उनकी लगभग ये पहली बैठक है, तो उनका मार्गदर्शन और उनका दिशा निर्देश हम लोगों को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि संगठन के शरण में आए हैं विधायक लोग, ये संगठन के शरण जैसा शब्द क्यों कहा जा रहा है, हम लोग संगठन के ही लोग हैं और संगठन से निकल के ही विधानसभा में पहुंचते हैं और संगठन हमारे साथ हमेशा रहता है, इसलिए ये प्रश्न ही लाजमी नहीं है कि संगठन अलग है और विधायक अलग है। निश्चित रूप से आदरणीय शैलजा जी लगातार सभी माननीय विधायकों से बात कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कौन कौन से जो काम बांटे जा रहे हैं उसमें विधायक लोग रहना चाहते हैं और किस तरीके से महाअधिवेशन में काम करेंगे उसकी भी संदर्भ में माननीय चर्चा कर रही हैं। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।